यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर भी अटैक किया, कहा कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो यूपी की जनता का क्या होगा। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, केशव जी एक तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने सियासी बदला लिया बीजेपी से लेने की कोशिश की कि जिस तरह से आप लोग प्रियंका गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि वो स्टार प्रचारक, उसी तरह विनय कटियार के स्टार प्रचारक में रखने पर उन्होंने सवाल उठाया कि महिलाओं के खिलाफ जिसने टिप्पणी की उसको स्टार प्रचारक बनाई बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी रॉबर्ट वाड्रा जी के सुझाव के आधार पर निर्णय नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय विनय कटियार जी, और वह भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर के रूप में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। सपा कांग्रेस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में परास्त करने के लिए वह अभियान चलाएंगे, और जिसको इससे दर्द हो रहा है उसकी भाजपा चिंता नहीं करती। जहां तक महिलाओं की बात है, भाजपा महिलाओं के प्रति बहुत आदर का भाव रखती है, बहुत सम्मान का भाव रखती है, उनके सुरक्षा और उनके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, एक बार फिर से देखिए अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जहां भी जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहां एक नारा लगता है कि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी तुम संघर्ष करो, हम मोदी जी के साथ हैं। इससे साफ उनको पता चल जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा और कांग्रेस गठबंधन की हवा बहुत पहले निकाल दी। आखिरी सवाल, मुलायम सिंह यादव अब एक बार फिर से प्रचार करने के लिए तैयार हो गए हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी? देखिए मुलायम सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं, वो सपा का प्रचार पहले भी करने के लिए तैयार थे, अभी तैयार करने के लिए तैयार हैं और आगे भी तैयार, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। भाजपा उनके प्रचार करने के बावजूद भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी, सपा बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर के 50 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगी। और मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता से यही कह सकता हूँ कि जो अपने बाप का नहीं हो सकता उत्तर प्रदेश की जनता का क्या हो सकता है। थोड़ी देर में वहीं अमित शाह का पैदल मार्च मेरठ में शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है 2.25 घंटे तक अमित शाह का ये पैदल मार्च चलेगा। पुरानी चुंगी से घंटाघर तक शाह का पैदल मार्च होगा। पैदल मार्च के दौरान अमित शाह कई चुनावी पर्चियां बांटेंगे। पैदल मार्च के साथ ही अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सोमेंद्र तोमर, सत्यप्रकाश अग्रवाल के लिए वोट मांगेंगे। ये तीनों प्रत्याशी अमित शाह के साथ प्रचार के दौरान रहेंगे। अमित शाह के पैदल मार्च पर बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा से बात की। इस वक्त हम मेरठ के उसी रूट पर हैं जहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का पैदल मार्च होना है। हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उनसे हम बात करते हैं। आप यूपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, लिहाजा हवा आपको पता चल गई होगी कि किसके पक्ष में है। अगर हम बात करें पैदल मार्च की, तो पैदल मार्च का जो असर है क्या वो मेरठ तक सीमित रहेगा, पूरे पश्चिमी यूपी में जाएगा? निश्चित तौर पर मेरठ क्रांति की धरा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक क्रांति का केंद्र है। यहाँ से संदेश तो गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा रोड शो करके विधानसभा क्षेत्र में जनता से संपर्क करना एक महत्वपूर्ण घटना है चुनाव के इतिहास में, और हमको इससे फायदा ये होने वाला है कि मेरठ के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, मेरठ की जनता को सीधा संदेश मिलेगा, और चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की प्रेरणा और संदेश देकर अमित शाह जी हासिल। लक्ष्मीकांत जी, हमें तो आपके बारे में जानकारी है, बहुत ही करंट वाले नेता हैं, आप ही से माहौल बन जाता है, तो क्या कुछ गड़बड़ हो रही है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पैदल मार्च लेना पड़ रहा है? ये तो दिल्ली को तय करना था, दिल्ली ने कार्यक्रम तय किया है, आज मिहाई नहीं हापुड़ भी है और शायद खेकड़ा भी है। एक आखिरी सवाल वाजपेयी जी, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने पैदल मार्च का जो रूट है उसको कंट्रोवर्सी बताया है। उन्होंने कहा है कि ये विवादित रूट है, यहाँ से माहौल बिगाड़ सकता है और भाजपा अपने पुराने एजेंडे पर लग गई है। मेरठ शहर में कोई जगह विवादित नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि कोई इलाका विवादित है, वो मेरठ की जनता का अपमान कर रहे हैं, मेरठ के व्यापारी और नौजवानों का अपमान कर रहे हैं। मेरठ की जनता हर पार्टी के लिए स्वीकार करती है, जिसके लिए चाहते मतदान करती है। ये कहना कि ये विवादित रूट है, क्यों यहाँ जनता नहीं रहती, यहाँ मतदाता नहीं रहते, यहाँ के मतदाताओं की जरूरत नहीं है? सर, आपको लगता है कि जो पश्चिमी यूपी में जिस तरह से माहौल रहा है 2013 के बाद, तो अब जब आप लोग प्रचार कर रहे हैं तो जनता के बीच में विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो जो माहौल था यहाँ पर पुराना सांप्रदायिक वो नहीं रहेगा? निश्चित तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद सबका साथ सबका विकास, इसका सीधे सीधे अर्थ है जाति धर्म पंथ और पूजा पद्धति के भेदभाव के बिना जिसका जो हक है वो मिलेगा। जब केंद्र की सरकार के कार्यकाल में मिलेगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार भाजपा की बनेगी तो उस कार्यकाल में भी सबको मिलेगा जी। तो चलिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बहुत ज्यादा उत्साहित हैं अमित शाह के पैदल मार्च को लेकर, और आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पैदल मार्च को लेकर वो पूरी तरह से उत्साहित है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं उनका अभिवादन करने को तैयार हैं।
मेरठ से कैमरामैन नवीन और अपने सहयोगी राजीव शर्मा के साथ अनुराग चड्ढा, इंडिया 24/7। अब हम चलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हालात का जायजा लेने के। अनुराग खुद हमारे साथ जुड़ गए, उनके साथ बीजेपी महासचिव वरुण सिंह भी मौजूद हैं। अनुराग, बात यह कि आपने सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट देखी होगी, इतनी सिक्योरिटी तो पहले कभी भी नहीं देखी गई। मेरठ की वो बदनाम गलियों से लेकर व्यापारियों के बीच में जाने का फैसला किया अमित शाह ने, और बदनाम गलियों का कॉन्सेप्ट वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि वंचित और शोषित लोग भी हमारे साथ आए। जी बिल्कुल निहारिका, सबसे पहले मैं अरुण सिंह जी से बात कर लेता हूं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव। अरुण सिंह जी, जिस तरीके से आज मेरठ में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है, तो इसको लेके उम्मीदें क्या है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज जनसंपर्क है और पद यात्रा है। आप देखिए, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं में जो जोश उमंग है, वह चाहते हैं कि सपा की सरकार जो है उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं, बसपा की सरकार नहीं आएगी, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाते हैं। लोग गुंडा राज भ्रष्टाचार से परेशान है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में कहा जाता है कि अगर पहले चरण का चुनाव आपके पक्ष में चला जाता है मतदान, तो माहौल बन जाता है। पहले आप जोश उमंग देखिए, इस जोश उमंग में भारतीय जनता पार्टी स्वीप करने वाली है। गुंडागर्दी से लोग परेशान हैं, और आप देखिए कल भी यहाँ 5 लोगों को गोली मारी गई है, लोग परेशान हैं जंगल राज से। तो निहारिका, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, उनका मानना है कि पश्चिमी यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो अहम मुद्दा है, और यहाँ पर कल भी गोलीबारी हुई थी, यहाँ पर मर्डर हो गया था, उसी के चलते जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं, उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया है। उस इलाके से वो गाड़ी से गुजरेंगे और उसके बाद वो पैदल मार्च करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो यहाँ का नजारा दिखाए। देखिए, पूरा का पूरा जो माहौल है वो बीजेपी ने अपने पक्ष में फिलहाल इस बाजार में बना लिया है, और जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जोश में हैं, क्योंकि जो पार्टी के निचले लेयर के नेता हैं, अरुण सिंह की बात करें, लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात करें, स्वतंत्र देव की बात करें, तो उन लोगों ने पहले से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से पहले ही माहौल बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रैली है। लिहाजा जो अमित शाह है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी तैयारियों का जायजा लेना चाहते हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले जो मेरठ का माहौल है वो पूरी तरह से भाजपा के रंग में रंग दे। जी निहारिका। अनुराग, अब मुझे ये रूट यहाँ पर बताइए, कई रूट डाइवर्जन भी हुआ है, और बीजेपी किस मुद्दों को लेकर आगे चल रही है? सवाल वही है कि एक तरफ लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा था कि बदनाम गलियों को कहना मतलब मेरठ की जनता का अपमान है, जो रास्तों का चयन किया गया है वो किस तरीके से दिमाग लगा कर किया गया है, कहाँ कहाँ से होकर गुजरेंगे, कहाँ कहाँ से वोट मिल जाएगा? देखिए निहारिका, मेरठ में कई ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी अति संवेदनशील एरिया की सूची में आते हैं, और मेरठ शुरू से ही एक टर्मिनल शहर रहा है, यहाँ पर छोटी छोटी बात पर यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव हो जाता है। तो जिस जो रूट है यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पैदल मार्च का, वहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है। हालाँकि बीजेपी इस बात का खंडन करते हुए कहना है कि पूरा मेरठ शहर अमन चैन के लिए जाना जाता है, और अगर दूसरी पार्टी के नेता यहाँ पर आते हैं तो माहौल सेकुलर हो जाएगा, बीजेपी के नेताओं के जाने से ही माहौल बिगड़ता है। तो पूरी तरह से जवाबी हमला किया है बीजेपी ने, और मेरी ये भी जानकारी है कि जो माहौल बीजेपी के लिए बनना चाहिए था वो माहौल बन नहीं रहा था, इसलिए पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कमान संभाली है। उनका यह मानना है कि जब मेरठ से वो पैदल मार्च करेंगे तो जो इसका मैसेज है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएगा, और जो पहला चरण का मतदान है वो भी भाजपा के पक्ष में होगा। दूसरी तरफ बात करें दूसरी राजनीतिक पार्टियों की, तो खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पश्चिम में एक दिन में 3 से 4 रैलियां कर रहे हैं, तो अभी तक भाजपा पश्चिम में काफी पिछड़ी हुई थी। जो बड़े नेता थे पार्टी के, उन्होंने माहौल नहीं संभाला, जो चुनावी प्रचार की कमान थी वो नहीं संभाली थी, तो चुनाव प्रचार को और ज्यादा धार देने के लिए अमित शाह आज से मैदान में कूद पड़े। तो देखना होगा कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान में पहुंच चुके हैं तो आगे आने में, यानी कि अनुराग, भीड़ उतनी है जितना अखिलेश और राहुल की रैली में कार्यकर्ताओं ने जुटाने की कोशिश की थी, बीजेपी भी थोड़ा इसमें कॉम्पिटिशन वाले उसमें आ गई है, भीड़ जुटा पाए कार्यकर्ता? जी बिल्कुल निहारिका, जो अगर जो पार्टी भीड़ जुटा लेती है तो माहौल उसके पक्ष में बनने लगता है। निश्चित तौर पर अगर मायावती की रैली की बात करें, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की रैली की बात करें, और आज जो आगरा में रोड शो होना है जॉइंट राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, उसमें उनकी कोशिश है कि पुरजोर तरीके से भीड़ जुटा लें। तो ऐसे में अगर भाजपा की रैलियाँ हल्की होंगी तो मैसेज गलत जाएगा, इसलिए जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के अमित शाह, उन्होंने आसपास के जो जिले हैं वहाँ से भी भीड़ जुटाने के लिए कहा है, और यही वजह है
कि आप देख सकते हैं कि जो मेरठ शहर है वहाँ पर जो तमाम भाजपाई है वो पूरी तरह से भगवा में रखने को तैयार है और उनका मानना है कि जो मेरठ में माहौल बनेगा वो पूरे पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में वो बनता रहेगा और भाजपा के पक्ष में वो माहौल बरकरार रहेगा। जी निहारिका, धन्यवाद अनुराग पूरी जानकारी देने के लिए, ये पूरा माहौल बताने के लिए और बीजेपी किस तरीके से मेरठ में आगे बढ़ रही है वो बताने।